नमस्कार, मैं उत्कर्ष गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और समय हो गया है सप्ताह की कुछ बड़ी खबरों की। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में सजा गलगोटियाज गॉट टैलेंट का रंगमंच, भिन्न भिन्न प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते नजर आए बच्चे। SMCS ने आयोजित किया एलुमनी मीट, डॉक्टर प्रदीप कृष्णार्थी ने बढ़ाया छात्रों में हौसला। 22 और 23 नवंबर को होने वाला है ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा हैकाथॉन। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उठाई डेक्सट्रिक्स 2.0 की पूरी जिम्मेदारी। गलगोटिया छात्र संघ ने आयोजित किया फ्लैश मॉब, बच्चों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह। आइए अब नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली में सिवर कनेक्शन शुल्क माफ, 2,34,000 नागरिकों को मिलेगा इससे लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाक पर परोक्ष हमला, पाक में उठी अलग सिंधु देश बनने की मांग। अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या 2,00,000 के पार, विदेशी छात्रों के मामले में भारत सिर्फ चीन से पीछे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में असफल हुई राजनीतिक पार्टियां, लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बातचीत के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे स्तुति श्रीवास्तव और जॉनसन प्रियदर्शी। तब तक देखते रहिए GU न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है GU न्यूज पे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जॉनसन और स्तुति। स्तुति, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि वहाँ का राजनीतिक माहौल कैसा है? देखिए, अगर महाराष्ट्र की ताज़ा खबरों से देखा जाए तो वहाँ के माहौल में अभी बहुत उथल पुथल मौजूद है। अभी हाल फिलहाल में सोनिया और पवार की मुलाकात के बाद नतीजे के तौर पर ये निकला है कि महाराष्ट्र में कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन अभी और जारी रहेगा। ये शासन का लागू होना महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा अवरोध है, जिससे ना ही कोई जनता ना ही कोई राजनीतिक पार्टी खुश है। यहाँ तक कि शिवसेना ने अनुच्छेद 14 और 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। जॉनसन, जैसे कि स्तुति जी ने कहा अभी कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्म है, तो आपको क्या लगता है, क्या वहाँ की जनता इस चीज का स्वागत करेगी या नहीं? देखिए उत्कर्ष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं है जब हमारे देश में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो। अगर हम इतिहास की बात करें तो आप जान सकते हैं कि सन 2016 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था अरुणाचल प्रदेश में 26 दिनों के लिए। उसके बाद ये लागू हुआ है उत्तराखंड में 25 दिनों के लिए, और सन 2014 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 33 दिनों के लिए महाराष्ट्र में। फिलहाल इसका विरोध हर तरफ से जारी है, जैसा स्तुति ने कहा कि ना तो कोई राजनीतिक पार्टी खुश है और ना ही वहाँ की जनता खुश है। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति शासन का क्या आगे मोड़ लेता है। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी इस बारे में यही राय है कि फैसला जो भी हो वो राज्य के हित में हो। ये आपने बहुत सही कहा है कि फैसला जो भी हो वो राज्य के हित में होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GU न्यूज़। धन्यवाद।